وذكرى للمؤمنين.
निकाल दो। रुकन कहते हैं उस सतून को जो मजबूती से एक जगह कायम हो, और उस पर सहारा लेने को रखना कहते हैं। उसने सहारा लिया, रखना या करो, सहारा लिया या सहारा लेता है। फरमाया, जो लोग तुम पर जुल्म करने वाले हैं उनसे किसी किस्म की भी उम्मीद नहीं रखनी और कोई सहारा उन पर नहीं लेना। फतमस्सकुम नार, तुम्हें बजाय इसके कि उनसे कोई फायदा पहुंचेगा तुम्हें आग का अजाब पकड़ लेगा। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया थुम्मा ला तुंसरून, और तुम्हारे लिए खुदा के सिवा और कोई वली नहीं। थुम्मा ला तुंसरून, अगर इस वली को छोड़कर तुम किसी और की तरफ झुकोगे तो ला तुंसरून कहीं से किसी तरफ से भी तुम्हारी मदद नहीं है। ये एक बहुत ही अहम बुनियादी नुक्ता है जिसे मोमिन को समझना चाहिए। हमरे वाकया ये है कि जब खुदा के नाम पर किसी मोमिन को तकलीफ दी जाती है तो गैरुल्लाह से मदद की हर उम्मीद उठ जाया करती है। और मालकुम मिन दूनिल्लाह मिन औलिया में यही नक्शा खींचा गया है कि तुम तो ऐसी हालत में आ चुके हो कि बाकी सारी कश्तियां तुम्हारी जल गई हैं, सारी राहें तुमने अपने ऊपर बंद कर दी हैं, क्योंकि दुनिया वाले तो किसी न किसी कदरे मुश्तरक की बिना पर मदद किया करते हैं। दुनिया वाले तो सौदों के नतीजे में मदद किया करते हैं, कुछ अपने असूल छोड़ने पड़ते हैं, कुछ उनके अपनाने पड़ते हैं, लेकिन एक ऐसी जमात जो कुल्लियतन अल्लाह की हो चुकी हो और उसूल में एक ज़र्रा बराबर भी नरमी के लिए तैयार ना हो, जिसको ख़रीदा ना जा सकता हो, जिसको अपने मकासद के लिए उनके असूलों के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जा सकता हो, उनकी हालत तो ये है कि गोया उनके लिए मदद के सारे रास्ते वैसे ही बंद हो चुके हैं। और चूंकि ये महज अल्लाह की खातिर है इसलिए तुम्हारे सिवा खुदा के तुम्हारे लिए खुदा के सिवा और कोई वली नहीं।
और अगर एक दफा खुदा को वली बनाकर और दुनिया को अल्लाह की वजह से दुश्मन बनाकर तुम दुनिया की तरफ झुकने की कोशिश करोगे तो तुम्हें आग मिलेगी। आग से मुराद यहाँ जहन्नम के सिवा दुनिया में नाकामी और हसरतों की आग है। तुम जितनी कोशिश करोगे तुम्हें हर तरफ से मायूसी और हसरत की आग पहुँचेगी और तुम्हें तस्कीन के लिए कोई चीज़ मयसर नहीं आ सकेगी। इसलिए फरमाता है मालकुम मिन दूनिल्लाह मिन औलिया, याद रखो अल्लाह के सिवा तुम्हारा वली कोई नहीं रहा। तुम अला तुम सरून, खुदा के सिवा किसी की तरफ से तुम मदद नहीं किए जाओगे। यहाँ मुर्तदीन का भी जिक्र आ गया ला तकुलु लिल्लज़ीन ज़लमू में, इस ख्याल से कि हम उनके अजाब से बच जाएं। दुश्मन खुदा के दुश्मनों की तरफ झुक जाने से का माना यह भी है कि इर्तदाद इख्तियार कर लो, उनके साथ जा मिलो। रवायत सूरत में भी हमरे वाक़िया ये है कि तुम्हारा कोई हकीकी मददगार नहीं बन सकता खुदा के सिवा, और अल्लाह से जब वो आग देने का किसी को फैसला करे तो दुनिया की कोई कौम बचा नहीं सकती। लातुन सरून से मुराद यहाँ ये होगी। ये तो है मनफी हिस्सा, क्या नहीं करना। अब करना क्या है, कोई अमल की तालीम भी तो होनी चाहिए। फरमाता है अकिम सलाता तरफ़ नहारे व ज़ुल्फ़ मिन लैल, इबादत करो, नमाजों को कायम करो दिन के दोनों तरफ भी और रात के एक हिस्से में भी और रात के आखिरी हिस्से यानी एक किनारे पर भी। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, याद रखो हसनात बुराइयों को दूर कर दिया करती हैं। वाले का ज़िक्रा लिल्ज़ाकिरीन, इस बात में एक बहुत बड़ी नसीहत है नसीहत पाने वालों के लिए और नसीहत करने वालों के लिए। अब बात तो ये बज़ाहिर बड़ी अजीब लगती है और दुश्मन हमेशा इस बात पर ताज्जुब भी किया करता है कि जब हम कहते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारा लाया अमल क्या है, तुम मुकाबले पर क्या तदबीर कर रहे हो, तो तुम लोग आगे से कह देते हो कि हम तो दुआ करते हैं और इबादत करते हैं। और सुनने वाला बड़े ताज्जुब से देखता है कि बड़ी बेवकूफ़ कौम है, बड़े जाहिल लोग हैं। दुनिया हर किस्म की तदबीरें कर रही है, हर किस्म के दुख पहुंचाने के सामान कर रही है और हर किस्म के हथियारों से लैस है, और ये अजीब जाहिलों की कौम है। जब हम इनसे कहते हैं कि कुछ हाथ हिलाओ, कुछ जवाबन कार्रवाई करो, जवाब ये देते हैं कि जी हम तो इबादत कर रहे हैं। और यही जब यही हाल कुरान करीम भी पेश कर रहा है, फरमाता है इसका हल ये है इन सारी मसाइब का, इन सारी मुसीबतों का, अकीम सलाता तरफ़ नहार है, अपने दिन को भी इबादतों से घेर लो। तरफ़ नहार का मतलब है घेर लो, सारे दिन पर तुम्हारी इबादतें फैल जाए। वह ज़ुल्फ़ मिन लैल, और रात का एक हिस्सा भी इबादत से जिंदा करो। इन हसनात युज़हिबन सय्यात, और ये कानून याद रखो कि हमेशा हुस्न बदियों को खा जाया करता है। यहाँ जो ये फरमाया कि ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, इसमें कौन सी नसीहत है, ये तो सबको पता है कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, और यही कानून है, यही हमेशा से इंसान देखता चला आया है। इसमें खास नसीहत कौन सी है, इस नसीहत की कुंजी है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात में, कि तुम ये ना समझो कि ये इत्तेफाकी बातें हैं, अंधेरा कभी दिन को खा जाता है और कभी दिन अंधेरे को खा जाता है। फरमाया गौर करो, अंधेरे की तो कोई हकीकत नहीं, ये हमेशा रोशनी होती है जो रात तारीखी को खाया करती है, और रोशनी के ना होने का नाम अंधेरा है। इसलिए ये ना समझो कि ये इत्तेफाकी हादसात हैं, इसी तरह चलता चला आ रहा है, कभी इसकी बारी और कभी उसकी बारी, इन मानों में नहीं है। बल्कि अमरे वाकया ये है कि जब नेकियां उठ जाती हैं तो उनके ना होने का नाम तारीखी है,
और जब नेकियां वापस आ जाती हैं तो तारीकी के लिए भागना मुकद्दर है, इसके सिवा तारीकी कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती है रोशनी का। तो फरमाया अपने दिनों अपने वजूद को रोशनी से भर दो, क्योंकि तुम्हारे मुकाबले पर तारीकी है और रोशनी इबादत इलाही से नसीब होती है। फरमाया अपने दिन भी रोशन तर करो और अपनी रातें भी रोशन कर दो और फिर देखो कि तुम्हारे मुकाबले के सारी मुकाबल की सारी तारीकियां जाहिर हो जाएंगी। वस्बे फ़ैनल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, लेकिन इसके लिए सब्र की जरूरत होती है। ये ठीक है रातें टलती हैं, लेकिन फरमाता है कि रातों बाज़ दफ़ा रातें बड़ी बोझ भी हो जाया करती हैं और रोशनी आती तो है और अंधेरे को नूर में बदल देती है, लेकिन जो लोग दुखों से गुजर रहे होते हैं उनके लिए लम्हा लम्हा एक उम्र लगता है गुजर गई। इसलिए सब्र की तालीम साथ दी, क्योंकि कुरान करीम तो स्लोगनिज्म पैदा नहीं करता। महज ये दावा करके कि तुम जीतोगे, तुम जीत गए, तुम रोशनी हो और दुश्मन अंधेरा है, ये बातें करके कुरान करीम तसल्लियां देकर छोड़ता नहीं है, बल्कि जिस लाह अमल के ऊपर दाखिल करता है इंसान को उस लाह अमल के खतरात से भी आगाह फरमाता है। फरमाता है कहने को तो आसान बात है कि जो सुबह हुई और रात डल गई, लेकिन जिन्होंने दुखों की रात काटी हो उनको इल्म होता है कि कितनी मुसीबतों के बाद कितने इंतजार के बाद वो सुबह तुलू हुई थी जिसके लिए वो आंखें लगाए बैठे थे। फरमाया वस्बे सब्र जरूर तुम्हें करना पड़ेगा। इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, लेकिन ये यकीन रखो कि हुस्न पैदा करने वालों के अजर को अल्लाह ताला जाया नहीं किया करता। मुहसिन से मुराद नेक आमाल करने वाला भी है, मुहसिन से मुराद तमाम सोसाइटी में तमाम मुआशरे में हुस्न बखेरने वाला भी है, और मुहसिन से मुराद इबादत को इतने खूबसूरत रंग में अदा करने वाला भी है कि अल्लाह की निगाहें उस पर पड़ गई। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहसिन की एक ये भी तारीफ फरमाई कि इस तरह इबादत करो, एहसान क्या है, इस तरह इबादत करना जैसे तुम खुदा को देख रहे हो और फिर खुदा तुम्हें देख रहा है, ऐसी खूबसूरत हो जाए तुम्हारी इबादत कि अल्लाह के प्यार की निगाहें पड़ने लगें। फरमाया ऐसी सूरत में तुम्हें कैसे नुकसान पहुंच सकता है, तुम तो खुदा की आंखों के सामने रहोगे, दिन को भी खुदा की निगाहों के सामने रहोगे और रातों को भी खुदा की निगाहों के सामने रहोगे। इसलिए वहमो गुमान भी दिल में न लाना कि तुम नाकाम हो। ये तो मोमिनों से खिताब है, उसके बाद फरमाता है उन लोगों के मुतल्लिक जो जुल्म करने वाले हैं, जो अपने मुकद्दर बिगाड़ लेते हैं अपने हाथों से। फरमाता है लौला काना मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम कूनू बक़ीयतन यन्हौना अनिल फ़साद फ़िल अर्ज़, काश ऐसा क्यों ना हुआ कि तुमसे पहले जो लोग गुजरे, जो बस्तियाँ आईं, उनमें साहिब अक़ल लोग होते, अक्ल व दानिश से काम लेते, वो दुनिया के ऊपर नज़र डालकर उसके तजारब से फ़ायदा उठाने वाले होते और फसाद से रोकने वाले बन जाते। इल्ला क़लील मिम्मन अंजैना मिन, मगर ऐसे लोग बहुत थोड़े थे और उनको हमने उन लोगों के साथ निजात अता कर दी जिनको हमने निजात बख्शनी ही थी, यानी मोमिन। यहाँ फसाद से रोकने वालों से मुराद जालिमों की कौम में से साहिब अकल लोग मुराद हैं। मिम्मन इल्ला कलीलम मिम्मन अंजैना मिन्हुम में इस तरफ इशारा है कि जिनको हमने निजात बख्शी, यानी मोमिनीन, उनमें थोड़े से वो भी शामिल थे, ऐसा तो होता रहा, लेकिन कौम की अक्सरियत ने फसाद से रोकने का काम नहीं किया। इसमें एक बहुत बड़ी गहरी हिकमत की बात है और वो ये कि जब जुल्म शुरू हो जाए किसी कौम की तरफ से तो
तो खुदा तआला चूंकि मुतनबे कर चुका है कि उनकी हलाकत के दिन फिर आया करते हैं, उस वक्त ये उजर फिर खुदा के सामने पेश नहीं हुआ करता कि ऐ खुदा हम तो जुल्म करने वाले नहीं थे, हम तो पसंद नहीं करते थे इस बात को। फरमाया तुम्हारी जिम्मेदारी अदा नहीं हुई, तुम उन लोगों में से क्यों नहीं हुए जिन्होंने फसाद को रोका। जब तुम जुल्म और फसाद को देखते हो, अगर तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते तो तुम्हारी जिम्मेदारी अदा नहीं होती। इसलिए जब पकड़ का वक्त आता है तो ऐसे लोग भी साथ मारे जाते हैं। वो ये नहीं कह सकते फिर कि जी हम तो शरीफ लोग थे, हमने तो हिस्सा ही नहीं लिया। और जब पकड़ के वक्त आते हैं तो हर सतह पर यही होता है, कुछ लोग जुर्म कर रहे होते हैं, कुछ खामोशी से उनका तमाशा देख रहे होते हैं, कुछ बाहर खड़े दाद दे रहे होते हैं। जब सजा मिलने लगती है तो कहते हैं जी हम तो नहीं थे, उसने मारा था, मैंने तो नहीं मारा। और बाद फिरके भी फिर ऐसी बातें करते हैं कि जी फलां फिरके वाले थे, हम तो नहीं। तो अल्लाह ताला ने कानून ही वो रख दिया बचने का जिसमें मुंह की बातें काम नहीं आ सकती, जिसमें इतना किरदार है, इतनी मर्दानगी है, इतनी शराफत है कि वो बदी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो मुंह से कम उसके खिलाफ ऐलान करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये जुल्म है, ये गलत है। तो यनहौना से मुराद ये नहीं है कि उनको ताकत भी है जरूरी, फरमाता है अगर वो मुंह से ही कहना शुरू कर दें कि है जुल्म और ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, इसके नतीजे में भी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को उन लोगों के साथ बख्श दिया करता है और निजात देता है जिनको निजात देने का उसने पहले से फैसला किया हुआ है। वक्तबा लज़ीना ज़लमु मा उतरिफू फीहि व कानू मुजरिमीन, और वो लोग जो जालिम हैं ये तो शरफा का हाल है कौम का, खामोश रहे और रोका नहीं, और जो जालिम हैं वो जो खुदा ने उनको नेमतें आसाइशें दी हुई थी उनमें वो डूबते चले गए, वो कानू मुजरिमीन, और वो मुजरिम थे इस हालत में, उन्होंने हमारी नियमतों से फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि उनका हक नहीं था। मुजरिम के लिए तो अल्लाह ताला ने नियमतें पैदा नहीं की। जब खुदा की नियमतों को कोई बिगाड़ता है और जुर्म करता चला जाता है तो वो उसका इस्तेहकाक ख़त्म हो जाता है। वह माँ कान और कान रबो का ले युहल कर कुराब जुल्म अहलोहा मुस्लिम, अल्लाह ताला किसी बस्ती को जुल्म की राह से हलाक नहीं किया करता। वह अहलोहा मुस्लिम, यहां मुस्लिम की तारीफ फरमाई एक और जो आम दुनिया वाले अपने लिए कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं उनसे मुख्तलिफ है। ये पहली आयत की रोशनी में तारीफ की गई, फसाद को रोकने वाले, जुल्म और शकावत कल्बी को ख़त्म करने वाले ये मुस्लिहीन हुआ करते हैं। चुनांचे कुरान करीम ने पहले भी इसी मज़मून को इसी तरह बयान फरमाया है, वैज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो ज़बरदस्ती रोक रहे हैं फितना परदादी से, हम तो ज़बरदस्ती लोगों के ईमान ठीक कर रहे हैं, मार मार के उनके कलमे दुरुस्त करा रहे हैं, मार मार के उनको नमाजें पढ़वा रहे हैं, हमें कहते हो कि हम फसादी। फरमाता है अला इन्नहुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशुरून, बेवकूफ़ो सुनो तुम ही फसादी हो, अल्लाह जानता है कि तुम फसादी हो। यहाँ उसकी मज़ीद तशरीह फरमा दी कि जब दुनिया में दुख दिए जाते हैं, नजायज़ जुल्म किए जाते हैं खुदा के नाम पर, हर किस्म के सितम ढाए जाते हैं, उस वक्त जो मुंह से भी नहीं रोकता वो फसादी है। और मुस्लिहीन वही लोग हैं जो जुल्म की हालत में जब बस्तियों को जुल्म हो रहे हों उस वक्त वो फिर इस्लाह की कोशिश किया करते हैं। बड़ा खोल दिया है मजमून ताकि किसी को गलतफहमी न रहे। फरमाता है जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम एक उम्मत बनाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं, एक हाथ पर इकट्ठा करने के लिए फितनों की जड़ें काट रहे हैं, तो फरमाया ये तो अलग काम है, ये तुम्हारा काम है।
वलाओ शाह रबो का लजाल नासा उम्मतम वाहिदतन, तुम कौन होते हो उम्मत वाहिदा बनाने वाले? अगर अल्लाह चाहता तो सारे बनी नौ इंसान को एक उम्मत बना देता। क्या तुम्हारे डंडे का इंतजार कर रहा है खुदा ताला कि तुम डंडे हाथ में पकड़ो तो उस खुदा की उम्मत वाहिदा बन जाएगी? तुम आता है ला यज़ालून मुख्तलिफून, हम ये भी बता देते हैं कि जितना मर्जी जोर लगा ले उनके इख्तलाफ दूर नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक खुदा फैसला ना करे कि एक उम्मत वाहिदा बन जाए उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं कि इंसान अपने इख्तलाफ दूर कर ले। दूसरों को मारोगे कि हमारे अंदर मिलो और उम्मत वाहिदा बनो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हारे अंदर फितने फूट रहे होंगे, खुद एक दूसरे के घरों को आगे लगा रहे होगे, खुद एक दूसरे की मस्जिदें जला रहे हो। ला यज़ालून मुख्तलिफून, तुम्हारा तो मुकद्दर ये है, तुम खुदा से दूर जा पड़े, तुम मुस्लिहीन नहीं रहे, तुम फसाद की बातें करते हो, फसाद तुम्हारे जजा है, और खुदा ये ऐलान कर रहा है ला यज़ालून मुख्तलिफून, तुम्हारे इख्तलाफ कभी खत्म नहीं हो सकते। तुमने झूठ बोलकर खुदा के नाम पर इख्तलाफ दूर करने का बहाना करके जुल्म जुल्म की राह अख्तियार की है, तुम्हारी सजा ही मुकद्दर की गई है ला यज़ालून मुख्तलिफून। कैसा अजीम कलाम है, किसी बारीक पहलू को छोड़ता नहीं, और जो पेशगोई करता है बैन ही पूरी होती चली जाती है, किसी का बस ही नहीं कि उस पेशगोई को डाल सके। इल्ला मर रहम रब्बो, कमाता है हां वो लोग जिन पर खुदा रहम करने का फैसला कर लेता है वो एक हुआ करते हैं, जिनको तेरा रब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ पर इकट्ठा करने का फैसला कर ले वो एक हाथ पर इकट्ठे हो जाया करते हैं, और उनके अंदर फिर तू कोई इख्तलाफ नहीं देख रहे। जिन पर खुदा ने रहम किया हो वो गैर के मुकाबले पर शदीद हो जाया करते हैं। रोहमाओ मैं ना हूं रहम रब्बु की तफसीर दूसरी जगह पुराने गरीब में मौजूद है कि वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम किया करता है, फरमाता है वो खुद रहीम हो जाते हैं। रहमाओ बैनहु अशिद्दाओ अलल कुफारे, अशिद्दाओ अलल कुफारे रहमाओ बैनहु, यानी गैरों के मुकाबले पर सख्त हो जाते हैं, उनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं रहता। रहमाओ बैनहु एक दूसरे से ना सिर्फ ये कि मिल जाते हैं बल्कि बे इंतहा रहम करने वाले हो जाते हैं। दूर ममालिक में कहीं किसी को दुख पहुंचता है तो ना उनका कौमी रिश्ता ना उनको कोई और पूर्व नसीब, दूर बैठे ऐसे लोगों के लिए रोने लगते हैं जिनको कभी देखा भी नहीं होता। सुनाचे मुझे याद है जब 74 के बाद अमेरिका के नेशनल प्रेसिडेंट जफर मुजफ्फर अहमद जफर उनका नाम है, वो अमेरिकन हैं नेशनल हैं, वो जब 2 साल के बाद 74 के बाद अजियान तशरीफ रब्बा तशरीफ लाए और जलसे के बाद उनसे कहा गया कि जलसे की आखिरी रात थी गालिबन कि चंद मिनट के लिए आप खिताब करें अहबाब से बताएं कि आपके क्या तासुरात हैं, तो उनके तासुरात क्या थे वो तो आंखों से आंसू की झड़ी लग गई, सारा बदन उनका सुर्खियों से कांप रहा था और बात मुंह से निकलती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से टुकड़ों में उन्होंने ये कहा मेरे तासुरात क्या है, 74 में जो हमारा हाल हुआ था तुम लोगों की खातिर तुम्हें क्या पता है, कैसे सख्त दिन हमने काटे हैं तुम्हारे लिए दुखों, और आज खुदा के शुक्र से मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं कि आप सबका चेहरा मैं देख रहा हूँ, कितना इत्मीनान है कितना सुकून है, और अल्लाह ताला ने हर मुसीबत से आपको निजात बख्शी। तो ये है इल्ला मर रहे मरबो, हाँ एक वो हुआ करते हैं जिन पर खुदा आसमान से रहम फरमाता है, जिनके एक होने का फैसला कर लिया करता है, और वो कैसे होते हैं रहमाओ बैनहु, वो एक दूसरे पर बेहद रहीम व करीम होते हैं, एक दूसरे के घरों को आगे नहीं जलाया करते, एक दूसरे की मस्जिदें नहीं जलाया करते, एक दूसरे की औरतों की बेहरमती नहीं किया करते, सरों की चादरें नहीं उतारते, वो तो सरों पर चादरें डाले मेरे लोग। ये उम्मत वाहिदा है जो खुदा के फजल से बना करती है, तुम किस उम्मत वाहिदा की बातें कर रहे हो, वो जो नफरतों का शिकार है आपस में,
जिसकी सारी जिंदगी एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहती है। भले जाले का खलक फरमाया ये है तखलीक का मकसद, ऐसी कौम पैदा होना जिनके अंदर बे इंतहा प्यार हो आपस में, बेहद मोहब्बतें हों, इसार हों, कुर्बानियाँ हों, खुदा के नाम पर वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हों, एक दूसरे के लिए फिदा होते हैं, एक दूसरे के गम में आंसू बहाते हैं। फरमाता है भले जाले का खलक, देखो मेरी तखलीक का मकसद पूरा हो गया, जब ये लोग दुनिया में आए तब मैं कहता हूँ भले जाले का खलक, इसलिए खुदा ने पैदा किया था इस कायनात को कि ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन अफसोस कि अक्सरियत वैसी नहीं है। तम्मत कलिमा तो रब्बे का लाम लान जहन्नम मिल जन्नत वन्नास अजमईन। हसरत का मुकाम यह है कि इस मकसूद को भुलाकर, बावजूद इसके कि पैदाइश का मकसद ये था कि ऐसे रहीम बंदे खुदा के पैदा हों, फिर भी अक्सरियत ऐसी है जो जहन्नम का ईंधन बनने वाली है, और उनमें बड़े लोग भी हैं और उनमें छोटे लोग भी हैं। कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाए रुसुले मा नुसब्बितु बिही फुआदक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह हम तुझे अंबिया की बातें सुनाते हैं, मा नुसब्बितु बिही फुआदक, ताकि गमों और दुखों के वक्त में तुम्हारे दिल को ढारस बंधे, ढारस मिले, तुम्हें सहारा मिले। ये वो रातों के किस्से हैं जो आम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला प्यार और मोहब्बत में किया करते हैं। जैसा दुखों की रातों में माएँ तसल्ली देती हैं बच्चों को, कोई बात नहीं अभी ये दिन आने वाला है, सुबह हो जाएगी, फिक्र न करो, तसल्ली रखो, उस तरह ही हमारा रब हज़रत अब्दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियाँ देता था, और ये अंदाज है तसल्ली। साथ साथ पुराने लोगों की बातें, किस तरह कौमें मुखालफतों में हलाक हुई, किस तरह दुखों से लोग गुजरे, और खुदा के रहम की इलामत क्या है, किस तरह मुखालिफीन आपस में ही एक दूसरे से लड़ते और एक दूसरे के खिलाफ हसद की आग में जलते हैं, किस तरह मोमिनिन का हाल है कि वो एक दूसरे के गम में, एक दूसरे के दुख के लिए अपनी जान पर एक मौत वारिद कर लेते हैं। फरमाया और आखिर को यही जीता करते हैं। ये देखो हमारा अंदाज़ तसल्ली, देखो किस तरह हम तुझे प्यार से की बातें सिखा कर तुम्हारे लिए ढारस देते हैं, तुम्हें सहारा देते हैं कि तसल्ली के साथ हमारे साथ बातें करते हुए, प्यार की बातें सुनते हुए, यकीन की हालत में इन दुखों की हालत, दुखों के वक्त से गुजर जाओ। वजा कफी हाज हक को मुआवजा तुम व जिक्र फरमाया, तेरे मजबूत होने के साथ मोमिन मजबूत होते हैं, तेरा एक दिल तकवीयत नहीं पाता, बल्कि तेरा वो दिल है जिसमें सारे मोमिनीन के दिल धड़क रहे हैं। जब हम तेरे दिल को ढारस देते हैं तो मोमिनों के दिल ढारस पा जाते हैं। अल्हक को वो मौजा तुम, हमने हक और मौजा इस किताब में दे दी है, व जिक्र आलिल मोमिनीन, तो मोमिनों के लिए इसमें एक बहुत अजीम शान कलाम है, वो पढ़ते हैं सुनते हैं और उनके दिलों को तकलीफ मिल जाती है। ये दरमियानी खिताब मोमिनों से है, फिर यानी जुल्म वालों का बयान करने के बाद फिर मोमिनों की तरफ अल्लाह ताला वापस आया, और अब मोमिनों से मुखातिब करके कहता है कि हमने तो तुमसे बातें की हैं, हम तो तुम्हें ऐसी तकदीरें बता चुके हैं जो बदला नहीं करते, अटल है। अब तुम हमारी तरफ से इस मुकाम पर फायज हो कि खुलकर यकीन के साथ दुश्मन को मुखातिब करके ये बातें कहो। कुल लिल्लज़ीन ला यूमिनूना मलू अला मकानतिक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तू खड़ा हो जा, और हमने जो तुझे ढारस दी है, हमने जो तुझे यकीन दिलाया है, इस बिरते पर ये जानते हुए कि तेरी पुश्त पर तेरा खुदा खड़ा है और कायनात का खुदा खड़ा है, तू ऐलान कर दे, इनसे कह दे ए मलू अला मकान थे, अब जो चाहते हो तुम करो, इन्ना आमिनून, हम भी वो करेंगे जिसका खुदा ने हमें हुक्म दिया, वन तजिर इन्ना मुंतजिर। और अब तुम वो बात आ गई है कि जुबान की बातें खत्म हो चुकी हैं, तुम भी इंतजार करो और हम भी इंतजार करेंगे।
तुमसे तुम्हारे शयातीन कुछ बातें करते हैं, तुम्हें झूठे वादे देते हैं, तुम्हें फसाद पर उभारते हैं, तुम उसके मुताबिक अमल करो। हमसे हमारा खुदा कुछ बातें करता है, कुछ तरीक हमें बताता है, वो हमने उससे सीख लिए, अब हम इन पर अमल करेंगे और दोनों इंतजार करेंगे। वल्लाह लिल्लाह गैबु समावात वल अर्द व इलैहि युर्जउल अम्रु कुल्लुहु फअबुदहु व तवक्कल अलैह व मा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। लिल्लाह गैबु समावात वल अर्द, अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीन के गैब हैं, वही जानता है कि कल क्या होने वाला है, इंतज़ार के जवाब में क्या होगा ये वो बता रहा है अल्लाह ताला कि तुम भी बंदे हो, तुम्हारे मुकाबले भी बंदे हैं, लेकिन उनको ये बताने वाला कोई नहीं कि उनका अंजाम क्या है। तुम्हें बताने वाला तुम्हारा रब मौजूद है, क्योंकि वो गैब को जानता है और उसी की तरफ हर अमर लौटता है। मतलब ये है कि तमाम हुकूमत, तमाम कुव्वत, हर फैसला खुदा की मर्जी से हुआ करता है। तो फरमाया जिसके हाथ में गैब है उसी के हाथ में कुव्वत भी है, उसी के हाथ में ताकत के सबसे चश्मे हैं। इसलिए तुम्हें किस बात का खौफ है? तो उनका गैब तो जुल्म और तबाही से भर सकता है, तुम्हारा गैब तो बहरहाल रोशन रहे तुम्हारे लिए। तो जो जुल्म आना था उनकी तरफ से आ चुका, अब तो दिन का तुम इंतजार करो और खुदा उनके दिनों को रातों में बदलने वाला है, ये यकीन रखो। फाबुद हो व तवक्कल अलैह, फिर वही खुलासा निकाला, देखिए किस तरह ये सारा मजमून सिमट कर फिर आखिर इबादत पे जाके खत्म हो जाता है। फरमाया खुलासा कलाम ये है, बात लंबी क्या की जाए, मुख्तसर यही है, फाबुद हो व तवक्कल अलैह। एक काम की बात ये है कि इबादत कर और अल्लाह पे तवक्कुल रख। इबादत करने वाले दुनिया में कभी हरा नहीं करते और इबादत करने वालों को खुदा कभी छोड़ा नहीं करता। तवक्कुल का ये मतलब यकीन रखो कि कभी खुदा ने कायनात में अपने इबादत करने वालों को जाया नहीं फरमाया। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और जो तुम कुछ कर रहे हो अल्लाह उनसे गाफिल, उन बातों से गाफिल नहीं है। तुम लोग समझते हो कितनी देर हो गई रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए, अब कब जवाब आएंगे हमारी सजदागाहों के आंसुओं के। अल्लाह ताला फरमाता है तवक्कुल रखो, हौसले ना हारो। क्यों यकीन नहीं करते, क्यों नहीं जानते कि जब तुम सो रहे होते उस वक्त भी तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए जाग रहा होता है, वो तो किसी हालत से भी गाफिल नहीं। इसलिए तुम तो खुदा की आंखों के सामने बसने वाली कौम हो, तुम्हें किस बात का खौफ है? जो खुदा के रहम से ओझल रहकर, खुदा की नजर से ओझल रहकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं उनके लिए खौफ हो सकता है गैब में, लेकिन तुम्हारा गैब यकीनी है, लाजमन तुम्हारे हक में पर्दा गैब से ऐसी ऐसी नेमतें नाजिल होंगी, ऐसी नुसरतों के समान होंगे जिनका तसव्वुर भी तुम नहीं कर सकते।
چند دن ہوئے غبا سے اطلاع آئی تھی کہ حضرت سیدہ نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبارک اولاد میں سے مبشر اولاد میں سے آخری بیٹی ہیں جو زندہ ہیں ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے اور اجازت لی تھی مجھ سے کہ ان کو لاہور منتقل کیا جائے چنانچہ میں نے کہا کہ فوری طور پر جانا چاہیے لاہور چند دن ہوئے لاہور سے یہ اطلاع مل رہی تھی کہ ڈاکٹر تحقیق کر رہے ہیں اور کافی تشویش کی صورت ہے بظاہر تو اس وقت فوری خطرہ تو کوئی نہیں ہے لیکن جس بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اس سے ڈاکٹر بہت متفکر ہیں اور اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو احباب جماعت خاص طور پر بڑے لحاظ سے یاد رکھیں دعا میں کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس حد تک بھی ہو سکے ہمارے اندر آپ کی اولاد میں سے جو مبشر اولاد ہے اس میں نشانیاں باقی رہیں اور رہیں بھی تو امن کی حالت میں خیر و خوبی کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ دکھوں کے ساتھ نہیں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب جہاں تک بھی تقدیر ٹل سکتی ہے اللہ تعالیٰ ٹال دے اور حضرت سیدہ موصوفہ کو صحت و عافیت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ برکتوں والی زندگی عطا فرمائے عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَتُوبُوا يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ